केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। स्वामी विवेकानंद जयंती के सह राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर जिला वॉलीबॉल संघ पाकुड़ द्वारा रेलवे मैदान में पाकुड़ एक दिवसीय दिवायात्री वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। पाकुड़ जिला में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर संपा साह अध्यक्ष नगर परिषद पाकुड़ बाबू धन मुर्मू, पूर्व जिला परिषद पाकुड़ अनुमंडल पदाधिकारी अजित कुमार विमल, पाकुड़ अखिलेश चौबे अध्यक्ष, ERMU संजय कुमार ओझा सचिव, भाजपा प्रदेश मंत्री शर्मिला रजक, कुलदीप यादव RPF इंस्पेक्टर पाकुड़, अरुण कुमार व JPR प्रभारी याकुड़, रणवीर सिंह सचिव जिला ओलंपिक संघ पाकुड़ मंचासीन हुए। इस अवसर पर जिला वॉलीबॉल संघ के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर अतिथियों का स्वागत किया। उसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर सरस्वती माता भारती स्वामी विवेकानंद की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर पुष्प श्रद्धासुमन अर्पित किए। फिर सरस्वती शिशु मंदिर के बहनों ने वंदे मातरम का गान किया। फिर अतिथियों द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर की गई। प्रतियोगिता के उद्घाटन का दस्तावेज मैच पाकुड़ संघ घोगा के बीच खेला गया। इसके बाद अब तक लीग राउंड मैच में जमालपुर बनाम बोलपुर 20-18 और 20-10, पाकुड़ लुधियाना 23 एवं भागलपुर वर्सेस साहेबगंज 20-13 C-10 के मैच में जमालपुर पाकुड़ भागलपुर ने अगले राउंड में प्रवेश किया। इस कार्यक्रम के आयोजन में जिला वॉलीबॉल संघ के सह सचिव द्वारा कार्यक्रम के संयोजक अंकित गोस्वामी, मुन्ना रविदास, अजय राय, विजय राय, निर्भय सिंह, संजय राय, अमित कुमार, अजित कुमार मंडल, ओम प्रकाश नाथ, राजा सिंह, तन्मय पोधार, राज चौधरी, गौतम कुमार, उजय राय, लालटू भौमिक, अविनाश पंडित, जितेंद्र रजक, राहुल कुमार, रतुल कुमार, अंकित कुमार, सोनू कुमार, मोहम्मद साहिल, मनीष कुमार, अर्पित दुबे इत्यादि कार्यकर्ताओं ने काफी सक्रिय दिखे। इस अवसर पर जिला वॉलीबॉल संघ के सचिव हिजाब राय ने बताया कि भागलपुर, जमालपुर, साहिबगंज, बड़हरवा, फकरा, बोलपुर, घुलियान, नलहटी, रामपुरहाट सहित पाकुड़ की टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन के क्रम में अपने संबोधन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल ने बताया कि युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के कथन उतारते हुए कहा कि जीवन में कोई भी लक्ष्य उनकी इच्छा शक्ति से बढ़कर नहीं होता, अंततः हमें अपने जीवन में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। जिला वॉलीबॉल टीम के कोच संजय कुमार ओझा ने बताया कि प्रतियोगिता को प्रथम चरण भी ग्राउंड एवं अंतिम चरण में नॉकआउट खेला जाएगा। ऐसी ही ताजा तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और उसी युवा दिवस को मनाने के लिए रिक्रिएशन क्लब के द्वारा पाकुड़ रेलवे स्टेशन मैदान में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। और ये इसमें यहाँ पर न सिर्फ झारखंड के बल्कि बंगाल और बिहार के भी खिलाड़ी आते हैं, और हम और ये एक युवाओं को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप अपना लक्ष्य निर्धारण करें और स्वामी विवेकानंद जी के जो आदर्श हैं उनका अनुपालन करते हुए आगे बढ़ें। और कहा जाता है कि लक्ष्य को निर्धारण करो और लक्ष्य को जब तक नहीं पाओ तब तक उठो, जागो और सदा बढ़ते रहो। यही संदेश मैं स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देता हूँ। जिला नगर परिषद और पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष सभी लोगों का स्वागत करते हुए खेल का आनंद लेने के लिए हम सब आए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि एक अच्छा खेल देखने को मिलेगा और युवाओं के प्रेरणा स्रोत
हमारे स्वामी विवेकानंद जी कह गए हैं कि कोई भी लक्ष्य मानव के साहस से बड़ा नहीं। तो आप लोग यहाँ पे लक्ष्य निर्धारण करिए और हम लोग खेल का मजा लेंगे और दोनों ही टीमों से मेरी शुभकामनाएं होगी कि आप लोग अच्छे खेल का प्रदर्शन करें, पूरे भाईचारगी से करें, क्योंकि खेल लोगों को जोड़ता है। और कहाँ भागलपुर के लोग यहाँ आकर के अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे पाकुड़ की धरती पर, हमें पूरा विश्वास है कि एक बहुत ही रोमांचक मैच देखने का हमको मौका मिलेगा। और युवाओं को युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तो कहा ही कहा था, जल्दी दबाओ।